अपनी सहायता में कमीशन नहीं ले सकता, इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया है आपका। बहनों और भाइयों, किसान पहले आत्महत्या करता था कांग्रेस और सपा की सरकार के समय में, आज किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले नारी गरिमा तार तार होती थी, गांव में गंदगी देखने को मिलती थी, आज बहनों और भाइयों 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण मोदी जी ने किया है। पहले बरसात में या ईंधन समाप्त होने पर गरीब भूखों सोता था, आज बहनों और भाइयों 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया। और मोदी जी ने कहा है जितने बाकी हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ जितने बाकी होंगे उन सबको फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे उज्ज्वला योजना के। जाइए आप भी मेरी तरफ से बोल करके आइए कि चुनाव के बाद उन सबको फ्री में कनेक्शन मिलेगा। 4 करोड़ गरीबों को एक एक मकान मिल गया है और बाकी जितने भी गरीब और पात्र लोग बचे होंगे उनको चुनाव के बाद से कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी एक एक आवास उपलब्ध हो जाएगा। अभी से जाके तैयारी करो धूमधड़ाके के साथ कि हर गरीब के पास अपना सिर ढकने के लिए छत होगा। बहनों और भाइयों, कार्य चेहरा देख करके नहीं होता है। संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है, अब ये दावा भारत का प्रधानमंत्री नहीं करता है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं जाति मत और मजहब नहीं, वो तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। बहनों और भाइयों, यही है विकास। बिना भेदभाव के पूरे देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार है, और इसीलिए तो भारत बार बार कहता है ये केवल मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है केवल सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो जनता बार बार मोदी जी को चुनती है। बहनों और भाइयों, यही हकीकत है कि सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, समृद्धि भी है और विरासत